बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। सबसे पहले मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए 350 फ़ारेनहाइट पे सेट कर दिया है। केक दो स्टेप्स में बनेगा। सबसे पहले स्टेप में जो है वो हम केक का, चूंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा, अपसाइड डाउन होगी, तो उसको डेकोर करेंगे। उसके लिए मैंने ये सांचा लेके इसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगाया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है, केक चिपक सकता है इसके अंदर। हाफ कप ब्राउन शुगर, 1/4 कप बटर लेके मैंने चूल्हे के ऊपर शुगर को जो है वो बटर में अच्छे से हल कर लिया है। आपके पास वाइट शुगर है, अब 1/4 कप बटर, हाफ कप वाइट शुगर का डाल के इसको चूल्हे के ऊपर इतना पकाएं कि शुगर का कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन साइड पे चला जाए बस। उसके बाद इसको सांचे में डालेंगे, ऊपर रिंग्स लगाएंगे और अंदर चेरीज लगाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने इसका बैटर बनाना है। बैटर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 कप मैदा, 1/2 कप पाइनएप्पल जूस, 3/4 कप शुगर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 ये मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज एग्स हैं, आपके पास साइज़ में छोटे हैं तो 3 डाल दीजिएगा, 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे बटर है ये, मैं इसको ऑलरेडी मिक्सिंग बाउल में डाल चुकी हूँ, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट का जाएगा इसके अंदर। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। चीनी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसको डालूंगी इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब इसके अंदर हम जो है वो पाइनएप्पल की रिंग लगाएंगे। सबसे पहले एक मिडल में, मैं ये जो है वो डिब्बे के रिंग्स यूज कर रही हूँ। आप फ्रेश निकाल के बना के लगाना चाहें तो आप फ्रेश बना के लगा सकते हैं। अच्छे से इनको सेट करेंगे अंदर। ये जो है वो पाइनएप्पल करीम कैन वाले हैं, मैंने इनका पानी जो है वो बहुत अच्छे से खुश किया है। इनके अंदर अब ये जो है हम चेरीज को सेट करेंगे। हमारा पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया है, हमारा सांचा रेडी हो गया है। अब हम बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं जो है वो नमक डाल दूंगी मैदे के अंदर, बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मक्खन में मैं डालूंगी चीनी, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपके पास अगर चीनी मोटी है तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से हल करना है इसके अंदर, मक्खन के अंदर, या तो उसको पीस के डाल दें। एक अंडा डालूंगी इसके अंदर,
सारी चीज़ें जो हैं वो अंडा, मक्खन, आपका पाइनएप्पल का जूस रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। साथ ही अब मैं दूसरा अंडा भी डाल दूंगी। मैं इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट डालूंगी। इससे ये होता है कि अंडे की अगर स्मेल होती है केक में तो वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके अंदर पाइनएप्पल का जूस डाल दूंगी। मैदा डालेंगे। देखिए बैटर बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया है, सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब मैं इसको सांचे में डाल दूंगी। इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होते हुए। ओवन ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब मैं इसको रखूंगी ओवन में। ओवन 350 फ़ारेनहाइट पे ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब हम केक को रखेंगे ओवन के अंदर। इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होते हुए। होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। केक को रखे हुए 28 मिनट हो गए थे, मैंने इसको निकाल के देखा है तो मुझे लगता है कि ये बन चुका है। ये देखें टूथपिक इसमें से साफ निकला है, इसका मतलब है केक रेडी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बन गया था, थोड़ा ठंडा हुआ है तो मैंने इसको निकाल लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।